Hi everyone, good evening and a very very warm welcome to Unacademy's YouTube channel. I hope everyone is doing good. Good evening to everyone. Hello. So I have started a new course basically, and this is for the 2021 attempt. So basically जो starting हुई है अब वो सारा September October attempt का content हम पीछे छोड़ देंगे and we will begin with a new fresh start. And today the session I have brought for you is on behavioralism and post behavioralism. What happens is कई लोगों के मन में थोड़ा सा doubt है इस चीज़ को लेकर that ये क्या अभी part of syllabus बचा भी है या नहीं. So David Easton का जो ये concept है behavioralism और post behavioralism का, उस concept में थोड़ा सा ऐसा है कि ये paper में आ ही जाता है, चाहे ये सामने से लिखा नहीं गया कि ये Paul theory का हिस्सा है, but of course political science का base तो है ही है ना. तो जब तक आप बेस नहीं क्लियर करते हो तब तक आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है. दैट इज व्हाई आई फील आई नीड टू टीच यू गाइस अ स्मॉल क्विक सेशन ऑफ हाफ एन आवर ऑन बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर कंसर्न्स दैट आई एम गुड. हाउ आर यू गाइस? आई होप यू गाइस आर हैविंग अ गुड टाइम आफ्टर एग्जाम्स एंड वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स टू कम आउट. एनीवे, ऑल्सो वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू गाइज कि पॉल थ्योरी का एक नया कोर्स जो है आज शाम 7 बजे स्टार्ट हो चुका है. एक ही क्लास हुआ है अभी, लिबर्टी और इक्वालिटी का. अभी भी टाइम है, यू कैन एनरोल इन द न्यू कोर्स. हर महीने 2 न्यू कोर्सेज स्टार्ट होंगे पर्टिकुलर यूनिट्स को लेकर. तो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू आर फ्री टू ज्वाइन देम, दे आर ऑन प्लस. सबसे पहले मैं बिहेवियरलिज्म की बात करूंगी. अगर मैं बिहेवियरलिज्म का एक बेसिक आइडिया देखना चाहूँ तो बिहेवियरलिज्म को जो है डेविड ईस्टन ने स्टार्ट किया था. ठीक है, इट वॉज आर्टिकुलेटेड बाय डेविड ईस्टन. एंड जब भी डेविड ईस्टन के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे तो वो क्या करता है ना, रिसर्च है जो पॉलिटिकल साइंस का, उसको जो है नेचुरल साइंसेस के आधार पर डालने की कोशिश करता है. अब आप लोगों को इसके लिए कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट. होता क्या है, कुछ साइंसेस नेचुरल साइंसेस या प्योर साइंसेस होती है, लेकिन कुछ साइंसेस सोशल साइंस होती है. जो नेचुरल या प्योर साइंस होती है वो हमारे सब्जेक्ट नहीं होते, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट है. लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट है वो सोशल साइंसेस जैसे सब्जेक्ट है. दिक्कत यह है कि पॉल साइंस के फील्ड में शुरू से बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहा है कि क्या पॉल साइंस आर्ट्स का सब्जेक्ट है या पॉल साइंस साइंस का सब्जेक्ट है. इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ग्रेजुएशन में बहुत बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं. उसमें से एक बेसिक है बिहेवियरलिज्म, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी और पोस्ट बिहेवियरलिज्म का कन्फ्यूजन. बिहेवियरलिज्म बोलता है कि पॉलिटिकल साइंस को, जो कि एक सोशल साइंस है अदरवाइज, क्यों ना उसको नेचुरल साइंस के मॉडल में तब्दील किया जाए और किसी को भी उसके बेस से उठाकर किसी और साइंस में डालना थोड़ा कंफ्यूजन भरा तो हो ही सकता है. इसलिए बिहेवियरलिज्म को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म खड़े हुए बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा कमियां थी. फिलहाल हम कमी की बात नहीं करते, फिलहाल हम देखेंगे कि बिहेवियरलिज्म का मेन फोकस क्या था. वो एक प्योर साइंस ऑफ पॉलिटिक्स पैदा करना चाहता था, डेवलप करना चाहता था. और जब हम प्योर साइंस ऑफ पॉलिटिक्स की बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जब प्योर साइंस की बात आती है तो वो हम नहीं है, हम सोशल साइंस है, हमारे में और भी एलिमेंट्स मिले हुए हैं, प्योर साइंसेस अलग हैं. तो उसने क्या किया, जहाँ थ्योरी आ गया वहाँ साइंस का नेचुरल और स्वाभाविक रूप साथ में आ नहीं सकता. तो इसने क्या बोला कि ये जो थ्योरी है ये तो हिस्ट्री के आइडियाज का, हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ एक इकट्ठा करके पेश करके लिख दिया गया. मैं नहीं मानता, ये बिहेवियरलिज्म बोल रहा है, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई लॉजिक या रेशनैलिटी या सोच है.
इसलिए वो पॉलिटिकल थ्योरी को, जिसको कई लोग नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि जो नॉर्मेटिव थ्योरी होती है वो आइडियाज पे, रूल्स पे, रेगुलेशंस पे बेस्ड होती है। तो वो बोलते हैं मैं नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को रिजेक्ट करता हूँ, उसकी जगह पर मैं प्योर साइंसेस का मॉडल डालना चाहता हूँ। मुझे एक और एहसास भी हुआ है कि इस तरीके की नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसका कोई भी प्रैक्टिकल रेलेवेंस या कनेक्शन नहीं है। जो आज का सच है, कंटेम्पररी आज का राजनीतिक सच है, जो रियलिटी है, उसका जो प्रैक्टिकल कनेक्शन है वो कभी भी नॉर्मेटिव थ्योरी से नहीं किया जा सकता। तो मेरा सबसे बड़ी कोशिश यही है कि इस थ्योरी को छोड़ो और साइंस पे फोकस करो। तो बिहेवियरलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को पूरा का पूरा प्योर साइंस या नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट बनाना था तो वो थ्योरी को कैसे स्वीकार कर सकते थे? उन्होंने थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने थ्योरी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। तो अभी तक हमने जो बेसिक रीड करा उसके अकॉर्डिंग जो बिहेवियरलिस्ट थे वो चाहते थे कि वो पॉलिटिकल साइंस को नेचुरल साइंस के मॉडल के आधार पर ही बनाए। जहां तक बिहेवियरलिज्म के एज अ पैराडाइम, एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन की बात है, तो ये सबसे ज्यादा जो अपनी जगह बना पाया है वो अमेरिकन सोशल साइंस में बना पाया है। और अमेरिकन सोशल साइंस में 1950s से लेकर 1970s तक अच्छे खासे समय के लिए बिहेवियरलिज्म काफी बड़ी जगह पर रहा है। कई लोग अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट अभी तक ऐसे हैं जो बिहेवियरलिज्म को आज भी बहुत बड़ा थ्योरी मानते हैं, उनके लिए आज भी इसकी वैल्यू कम नहीं हुई है। लेकिन इसकी वैल्यू खुद इसके जो बनाने वाले हैं उन्होंने ही कम करके बताई। उन लोगों को ये लगता था, क्योंकि उन लोगों को ये लगता था, बेसिकली उन लोगों को ये लगता था कि हमारा जो राजनीतिक तौर तरीके हैं या घटनाएं हैं, पॉलिटिकल कोई भी घटनाएं या इवेंट्स हैं जो, उन्हें हम साइंस के मेथड से समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को नॉर्मेटिव आइडिया से दूर कर दिया। उन्होंने पॉलिटिकल फिलोसॉफी, जो कि थ्योरी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, जो आइडियाज से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, उसको रिप्लेस करके बोला पॉलिटिकल फिलोसॉफी की जगह नहीं है ये, फिलोसॉफी ऑफ साइंस की जगह है। हमें कॉन्सेप्ट्स को आगे लाना है, हमें हाइपोथेसिस को लाना है, एजम्पशंस को लाना है, रिसर्च करना है, थ्योरीज लाना है, प्रोटोकॉल बनाने हैं। और एक वर्ड यहाँ पर आएगा, वो है एम्पिरिकल। अगर आप लोग पेपर वन पढ़ रखे हो ढंग से तो आपको ये चीज़ें ऑलरेडी मालूम ही है। वैसे तो मैंने भी ये सब पहले कराया हुआ है, बट फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ। पॉल थ्योरी का पार्ट है। एम्पिरिकल का मतलब होता है समथिंग विच हैज अ साइंटिफिक कनेक्शन, ओके, विच इज बेस्ड ऑन रिसर्च, विच इज बेस्ड ऑन स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जानना, समझना, महसूस करना, परखना, पढ़ना, ये सब कुछ एम्पिरिकल नॉलेज को समझाता है। और जब हम एम्पिरिकल नॉलेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को एम्पिरिकल नॉलेज से जो है कनेक्ट करो, इसको फिलोसॉफी से मत जोड़ो, इसको साइंस से जोड़ो। अभी तक आई होप कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको नहीं समझ आया होगा। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि बिहेवियरलिज्म का फोकस पॉइंट क्या रहा है। हमेशा से बिहेवियरलिज्म सिर्फ एक सवाल पे फोकस करता है, व्हाई डू पीपल बिहेव द वे दे डू, लोग जैसा व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार वह क्यों करते हैं, लोग जैसा व्यवहार करते हैं वैसा क्यों करते हैं। और उन्हें इसी बात से समस्या थी कि पॉल साइंस नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है
या फिलोसॉफी है और थ्योरी और फिलोसॉफी कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है। वो स्वीकारते हैं चीजें, वो सिर्फ लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते कि जो चल रहा है वो वैसा क्यों चल रहा है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो बिहेवियरलिज्म कह रहा है मैं क्या कर रहा हूं अलग, मैं समाज से सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर लोग सवाल उठाते हैं तो वो क्यों उठाते हैं, अगर लोग बिहेव करते हैं तो वो ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। वो बोलते हैं कि ये बाकी सोशल साइंसेस से कॉन्सेप्ट अलग है, बिकॉज आप देखो तो आपका राजनीतिक विज्ञान, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी जैसे कॉन्सेप्ट, आपका इकोनॉमिक्स जैसे कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, और इन कॉन्सेप्ट से जुड़ने की वजह से हमें ये पता चलता है कि ये सब्जेक्ट इंडिविजुअल लेवल पर, ग्रुप लेवल पर दोनों पे काम कर रहा है। हमें ये पता चलता है कि अगर हमारी राजनीति में कोई हेर फेर हो रहा है, अगर हमें पता चल रहा है कि एक सोसाइटी में पर्टिकुलर इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा आया है और अगले 5 साल में इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और आया है, इसका मतलब लोगों का व्यवहार बदला है उन इलेक्शन के दौरान। लेकिन आप ये स्वीकार क्यों ले रहे हो कि लोगों का व्यवहार बदला है, क्यों ना इस चीज को सवाल प्रश्न किया जाए कि सवाल बदला तो है, वोटिंग का पैटर्न बदला तो है, बट उस वोटिंग के पैटर्न के बदलाव के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्यों हुआ है। तो एम्पेरिकली टेस्ट करना पड़ेगा, आप प्रायर रीजनिंग पर अपने आप को सीमित नहीं कर सकते, प्रायर रीजनिंग पर चीजें नहीं समझ सकते। आपको जो चीज पहले से पता है सिर्फ उसी को अल्टीमेट सच मानकर हम जीवन नहीं काट सकते। बात यह है कि हमें एक्चुअली सवाल उठाना पड़ेगा कि जो जैसा कुछ हुआ है तो वैसा वो क्यों हुआ है। इसीलिए मैं बिहेवियरलिज्म को एडवोकेट करता हूँ। तो वो बोल रहा है कि अगर मैं थ्योरी और बिहेवियरलिज्म इन दोनों को कंपेयर करूं तो बिहेवियरलिज्म मुझे एक्चुअली एक ऐसी थ्योरी देगी जो कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन के खिलाफ प्रूफ दे सकती है। जैसे कि मैं आपको ये बोलूं कि अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट रखा है तो मेरे पास उसके जवाब में प्रूफ अवेलेबल है। तो बिहेवियरलिज्म कहता है मैं वो प्रूफ हूँ, मैं वो प्रूफ दे सकता हूँ, लेकिन पॉल थ्योरी वो प्रूफ नहीं दे सकती। वो रिजेक्ट करता है कि पॉलिटिकल साइंस वो प्रूफ अदरवाइज नहीं दे सकती, लेकिन वो प्रूफ मैं दे सकता। तो डेविड ईस्टन की अकॉर्डिंग 8 तरीकों से किसी भी राज्य का बिहेवियरलिज्म स्टडी किया जा सकता है। अगर आप ये चीज देख लेते हो यहाँ पर तो आप पोस्ट बिहेवियरलिज्म 2 मिनट के अंदर समझ जाओगे। यहाँ पर यह पहले समझना ज्यादा जरूरी है। डेविड ईस्टन की अकॉर्डिंग बिहेवियरलिज्म का जो सेट है वो 8 चीजों से बना हुआ है। 8 चीजों में रेगुलरिटी, वेरिफिकेशन, टेक्निक, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज, रिसर्च का सिस्टम, प्योर साइंस और पॉलिटिकल रिसर्च का कनेक्शन विद बाकी सोशल साइंस, ये सब मैटर करता है। 1 साल पहले तक इस क्वेश्चन का हमेशा क्रोनोलॉजी पूछा जाता था। ईस्टर्न के बिहेवियरलिज्म का क्रोनोलॉजी 1-1.5 साल पहले जो पेपर होते थे उसमें हर साल ये पूछा जाता था, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच डेविड ईस्टन टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरलिज्म। ठीक है, तो रेगुलरिटी, वेरिफिकेशन, टेक्निक, क्वांटिफिकेशन, वैल्यू, सिस्टमाइजेशन ऑफ रिसर्च, प्योर साइंस एंड बाकी पॉलिटिकल रिसर्च का कनेक्शन विद सोशल साइंस, इसको 8 कॉन्सेप्ट में देखा। लेकिन इसका बहुत जल्दी एक डाउनफॉल आया। तो जैसे हम नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को एकदम खत्म और डेड करना चाहते थे, तो उस डेड करने से हमने बिहेवियरलिज्म पैदा करा, क्योंकि हमें लगा कि भाई बिहेवियरलिज्म का कॉन्सेप्ट इसको नया जीवन दान दे देगा। लेकिन बिहेवियरलिज्म के कॉन्सेप्ट के बनाने वालों में से एक सबसे बड़ा फाउंडर डेविड ईस्टन खुद इस बात से परेशान हो चुका था और उसने बिहेवियरलिज्म को खुद रिजेक्ट कर दिया और फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जन्म हुआ। तो दिक्कत यह है कि ईस्टन को यह बात एहसास हुई कि बिहेवियरलिज्म जो 50s से 60s तक पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को
डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसमें कुछ गलतियां। उन्होंने एनुअल कन्वेंशन ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के एक प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान 1969 में ये बात बोली कि ही फेल्ट डिससैटिस्फाइड विद द पॉलिटिकल रिसर्च। उन्हें अपने ही पॉलिटिकल रिसर्च से बहुत असंतुष्टि महसूस हुई, डिससैटिस्फैक्शन महसूस हुआ। इसी के साथ साथ जो अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करवाई जा रही थी बिहेवियरलिज्म के तहत, उससे भी वो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी थे। उन्होंने कहा कि मेरा जो अप्रोच था और मेरे साथियों का जो अप्रोच था बिहेवियरलिज्म, वो पॉलिटिक्स की स्टडी को एक ऐसे सब्जेक्ट में तब्दील करना चाह रहा था जो नेचुरल साइंस पर आधारित हो, लेकिन हम लोग बहुत बुरी तरीके से इसमें फेल हो गए, बिकॉज सामाजिक साइंस को, सोशल साइंस को आप कभी भी नेचुरल साइंस में बदल नहीं सकते हैं, आप उसे नेचुरल साइंस में नहीं बदल पाएंगे। सो उसे ना बदलने के लिए ये एफर्ट लिया गया। ऐसा भी डेविड ईस्टन को महसूस हुआ कि मैथ्स जैसा सब्जेक्ट पॉल साइंस में अपनी जगह बना रहा था। मैथ्स को साइंस से जोड़ने का क्या मतलब बनता है? इस तरह के सवाल ईस्टन के मन में आने लगे। उन्होंने बोला, इस कोशिश में कि हम नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी को हटा दें, इस तरह की कोशिश में हम पॉल साइंस को बहुत बहुत ज़्यादा साइंस बनाने पर उतर आए, और यही हमारा सबसे बड़ा फेलियर था। हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए इस चीज़ को कंट्रोल करने और इसको खराब करने में। इसका मतलब क्लियरली ये है कि हमारा जो टच है, हमारा जो कंट्रोल है, वो सामाजिक तत्वों से या सोशल बिहेवियर से दूर हो गया। जहां आप इस कोशिश में इस सब्जेक्ट को बदलने के लिए आए थे कि आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एक मैजिक डालोगे, उससे उल्टा आप उस मैजिक से, उस करंट सिचुएशन से और दूर हो गए। और उसके दूर होने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि आपका सारा का सारा फोकस एक सब्जेक्ट को साइंस में जबरदस्ती बनाने पे लगा हुआ था, जो कि तरीका बिल्कुल अनसूटेबल था पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट के। और इसी को आगे बढ़ते बढ़ते देखते देखते लोगों के ऊपर एक तरीके का प्रेशर डेवलप होने लगा। वो इतना फेडअप हो गए, इतना इरिटेट हो गए बिहेवियरलिज्म से, क्योंकि उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका जवाब ही नहीं है इस थ्योरी के ऊपर। करोड़ों रुपए उस जमाने पर 1950s में खर्च करे गए थे अमेरिका में ताकि एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके पॉल साइंस का, और उसके डेवलपमेंट के बावजूद अगर उसमें कुछ हो ही नहीं रहा फायदा, व्हाट काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट इज दैट जो एक पुराने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने की जगह खराब करने में फोकस कर रहा है। तो लोग चिढ़ने लगे, उनका जो विश्वास है बिहेवियरलिज्म से वो हट गया, दे गॉट इरिटेटेड, एंड इसीलिए उन्होंने पोस्ट बिहेवियरलिज्म के कॉन्सेप्ट को लागू करने का डिसीजन लिया। तो याद रखिएगा, बिहेवियरलिज्म के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मूवमेंट की तरह पोस्ट बिहेवियरलिज्म की शुरुआत हुई। पोस्ट बिहेवियरलिज्म कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, ये सब स्टार्ट हुआ था तो ये एक तरीके का प्रोटेस्टिंग मूवमेंट था उन लोगों की तरफ से जिन्हें बिहेवियरलिज्म पसंद नहीं आ रहा था, जिन्हें उसमें गलतियां बहुत जल्दी नजर आने लग गई। अगर हम बिहेवियरलिज्म के क्रिटिसिज्म की बात करें तो बिहेवियरलिज्म को कहा जाता है कि इसमें माइंडलेस एम्पिरिसिज्म है, मतलब बिना सोचा समझा ऑब्जर्वेशन और साइंस पे बेस होने वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि बिल्कुल भी पॉल साइंस के लिए समझदारी भरा प्रूफ नहीं हुआ। उन्हें यह भी फील हुआ कि वो बिहेवियरलिज्म जो है बहुत ज्यादा बेसिक नॉलेज पे बात कर रहा था, मोर देन अप्लाइड नॉलेज, जबकि पॉल साइंस जिस हिसाब का सब्जेक्ट है, हमें रियलिटी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, हमें अपने कॉन्सेप्ट का रियलिटी और एनालिसिस और प्रैक्टिकलिटी ज्यादा देखना पड़ता है, और हम उस वजह से जितना हमें पास आना चाहिए था ना रियलिटी और सच्चाई के,
जितना पास आना चाहिए था उतना ज्यादा हम राजनीतिक सच्चाइयों से दूर होते चले गए, उतना ज्यादा हम लोग उससे कटते चले गए, दूर होते चले गए। इसीलिए बिहेवियरलिज्म को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है ये बात कहकर कि उसने जिस काम के लिए आना था, जिस रियलिटी को उसने यूज करना था, सजाना था, उस रियलिटी को उसने बिल्कुल बुरी तरीके से तोड़ दिया। ठीक है, और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि बिहेवियरलिज्म जो है वैल्यूज को बिल्कुल बुरी तरीके से खत्म करना चाहता था, वो वैल्यूज को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता था। और एक एक बहुत बड़ा हमारे सामने ये प्रूफ आ गया था कि पॉल साइंस जैसा सब्जेक्ट कभी भी वैल्यूज से अलग किया नहीं जा सकता। कभी भी आप पॉल साइंस जैसे सब्जेक्ट को वैल्यूज से अलग नहीं कर सकते, जबकि ये सब्जेक्ट ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा बिहेवियरलिज्म के बहुत सारे और क्रिटिसिज्म हैं। वो एथनोसेंट्रिक अप्रोच रखता था, वो फीमेल ऑथर्स, फीमेल पॉपुलेशन और उस क्राइटेरिया को अकाउंट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ टॉप एलीट बिहेवियर को जज कर रहा था। इट वॉज नॉट गोइंग थ्रू द जेनरेशन एंड द रियालिटी ऑफ पोलिटिकल साइंस। तो बहुत और क्रिटिसिज्म भी है, ऑफकोर्स बिकॉज ये हाफ एन आवर का सेशन है तो आई हैड टू लिमिट फ्यू थिंग्स, लेकिन मैंने आपको जो बताया है वो आप लोगों को काफी नॉर्मल अप्रोच दे देगा। अगर हम एक फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करें तो ट्रेडिशनल के खिलाफ बिहेवियरलिज्म आया, और पोस्ट बिहेवियरलिज्म ये इसके खिलाफ नहीं था। ये तो इसके खिलाफ आया था, मैं मानती हूं, ये इसके खिलाफ नहीं आया। इसने ना इसको बुरा बोला, ना ये बुरा है, ना ये बुरा है। इसने बोला बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, सिंथेसिस। ट्रेडिशनलिज्म और बिहेवियरलिज्म दोनों को कंबाइन करके एक सिंथेसिस निकाला जाए, एक मिड रास्ता निकाला जाए, ना तो वैल्यूज पर ओवर निर्भरता, ना वैल्यूज को एकदम कोट की तरह उतार कर फेंक देना, डेविड ईस्टन का फेमस कोटेशन। बेसिकली आप उन दोनों के बीच का रास्ता निकालें, वेयर यू विल जज कि कितनी चीजों की हमें आवश्यकता है और कितनी चीजों का रिजेक्शन करना जरूरी है। राइट, वेरी गुड मोना, एक्सेलेंट। सो दिस मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। लेट्स क्विकली सी व्हाट इट हैड। पोस्ट बिहेवियरलिज्म एक प्रोटेस्ट मूवमेंट है बिहेवियरलिज्म के खिलाफ, जो कि कुछ बिहेवियरलिस्ट लाइक डेविड ईस्टन के कॉन्सेप्ट से ही आई है, जो खुद ओरिजिनली बिहेवियरल रेवोल्यूशन के लीडिंग एडवोकेट्स थे। तो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने खुद शुरुआती तरीके से बिहेवियरलिज्म को स्टडी करा, खुद ही अपने आप उन्होंने उसका क्रिटिसिज्म भी शामिल किया बाय गिविंग आउट पोस्ट बिहेवियरलिज्म। डेविड ईस्टन, ऑस्टिन रैनी, पीटर एच मार्कल, डेविड ईस्टन, ऑस्टिन रैनी और पीटर एच मार्कल ने बोला पोस्ट बिहेवियरलिज्म एक न्यू रेवोल्यूशन है, लेकिन वो एंटी बिहेवियरलिज्म नहीं है, वो इनके खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहता, इनको अपोज नहीं करना चाहता, लेकिन वो सिर्फ चीजों में जोड़ना चाहता है। जो ऑलरेडी बिहेवियरलिज्म में है उसमें कुछ नई चीजें जोड़ना चाहता, कुछ नई चीजें ऐड करना चाहता है, मॉडिफाई करना चाहता है, चेंजेस लाना चाहता है, खिलाफ नहीं जाके खड़ा होना चाहता, रिजेक्ट नहीं करना चाहता। जस्ट पॉइंट्स आउट द मिस्टेक, एंड सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि आप उसका बीच का रास्ता, एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म एक नए तरीके का रेवोल्यूशन है, बट वो एंटी बिहेवियरलिज्म नहीं है, वो बिहेवियरलिज्म के एंटी नहीं आया है, वो उसमें ही चेंजेस, उसमें एडिशन, उसमें बदलाव और उसमें जो जरूरतें हैं उन्हें भरने के लिए आया है। सो दिस वाज वन थिंग व्हिच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1969 में आप ऑब्जर्व करोगे 1950s से 70s तक बिहेवियरलिज्म अपने पीक पर था, उसी दौरान 1969 में पोस्ट बिहेवियरलिज्म का अनाउंसमेंट ईस्टन ने करा एज अ न्यू रेवोल्यूशन। उसने क्या किया, जो गलतियां बिहेवियरलिज्म की थी जैसे कि साइंस पे ओवर एम्फेसिस करना उसे खत्म करा, एम्पेरिकल थ्योरी को फुल एम्फेसिस करना उसको खत्म करा, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ज्यादा फोकस करा कि कई भाई ऐसा सब्जेक्ट तो बनाया जाए एटलीस्ट जो जिम्मेदारी उठाने लायक हो, जिसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वह जिम्मेदारी उठा सके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पोस्ट बिहेवियरलिज्म के ये थे कि आप टेक्निक से ज्यादा चीज किस बारे में है, जो उसका बेस है उस पे फोकस करें। इसका मतलब यह है अगर आप समाज के बेस पे फोकस करोगे तो आप उसके जो अलग अलग परेशानियां हैं उन्हें करीब से समझ पाओगे। आप समझ पाओगे आपके देश में फिलहाल क्या चीज ज्यादा जरूरत भरी है, क्या आपको इस समय एनवायरमेंट पे देखना है, क्या आपको इस समय पॉवर्टी एलिवेशन देखना है, क्या देखना है। ये तब आपको पता चलेगा जब आप सब्सटेंस पे ज्यादा फोकस करोगे, काम पे जो मेन पॉइंट है उस पे। वैसे तो देखा जाए तो बिहेवियरलिज्म काफी आइडियोलॉजिकली कंजर्वेटिव माना जाता था, बिकॉज वो अपने साइंटिफिक दायरे से बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलना चाहता था और जो जो है वो बहुत सारी चीजों को सीमित करना चाहता था। लेकिन पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने बोला कि आप फैक्ट्स को कभी भी वैल्यूज से तोड़ नहीं सकते, ये आपस में साथ ही चलेगा, ठीक है, और फैक्ट्स वैल्यूज से जुड़ेगा और फिर आगे वैल्यूज नॉलेज से जुड़ेगा, फैक्ट वैल्यूज से और वैल्यूज नॉलेज से। सो ये सब ना आपस में कनेक्टेड है और इसमें सेंट्रल रोल जो है वो वैल्यूज का है। तो आप वैल्यूज को नहीं हटा सकते, आप उसे निकाल कर फेंक नहीं सकते अपने जीवन में से। तो जहां तक हम देखा जाए तो किसी भी तरीके की शुरुआत करने के लिए अगर हम बिहेवियरलिस्ट की बात करें तो वो उस चीज को थ्योरी से आगे प्रैक्टिकल पर ले जाना चाहते थे, लेकिन पोस्ट बिहेवियरलिस्ट बोल रहे थे कि आप पहले चीज को जज करिए, क्या उसकी जरूरत भी है, अगर जरूरत है तभी इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बिहेवियरलिज्म से बहुत सारे लोग असंतुष्ट थे, बहुत नाखुश थे, इन्हीं कारण की वजह से इसके मेथड और इसका कंटेंट, यानी इसका जो पढ़ने की कंटेंट था स्टूडेंट्स के लिए और जो मेथड यूज किया जा रहा था उसमें रिविजन लाने की कोशिश करी गई। इसकी वजह से हमने हिस्ट्री को और हिस्ट्री के एनालिसिस को, यानी हिस्टोरिकल फैक्ट्स और पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ने का एक नया नजरिया सोचा। हमने इंटरप्रिटेशन की बात की, हमने बातचीत की बात करी, हमने डिस्कशन की बात करी, हम लोगों ने सिस्टम मेथोडोलॉजी को जो बना बनाया तरीका था उसको रिजेक्ट करा। हमने बोला कि हाँ थ्योरी है उसकी जगह अपनी है, प्रैक्टिकलिटी है, एपिस्टेमोलॉजी है उसकी जगह अलग है, एम्पेरिकल वैल्यूज है उसकी जगह अलग है। तो इन चीजों को क्यों ना जोड़कर एक मिड रास्ता निकाला जाए, इसको रौंदने की जगह, पूरी तरीके से खत्म करने की जगह क्यों ना उसको एक नया जीवन दिया जाए, एक नई लाइट क्रिएट की जाए। ये बेसिक एम है पोस्ट बिहेवियरलिज्म का। मॉडर्निज्म नहीं, आकांक्षा, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है। तो जो पोस्ट बिहेवियरलिस्ट है उनको एक बात जो सबसे ज्यादा बुरी लगती है, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, वो बात है बिहेवियरलिस्ट का ये सोच कि वो पॉल साइंस को वैल्यू फ्री साइंस बना देंगे। बिहेवियरलिस्ट की ये सोच कि वो पॉलिटिकल साइंस को वैल्यू फ्री साइंस बनाना चाहते हैं, इससे पोस्ट बिहेवियरलिस्ट नफरत करते थे, अपोज करते थे, डेडली अपोज। उन्हें बहुत परेशानी थी इस बात से कि उनका ये मानना क्यों है कि साइंस को पॉलिटिकल साइंस को इम्प्रूव करने के लिए उसे वैल्यूज के फ्री करना पड़ेगा। जहां तक हम लोगों ने आप लोगों को अभी शुरू में बताया था बिहेवियरलिज्म के इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स थे आठ, जिसमें रेगुलैरिटीज, वेरिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज वो वाला था, उसी को बदल कर जब उन्होंने पोस्ट बिहेवियरलिज्म बनाया तो उन्होंने उन आठ सिस्टम को सात सिस्टम में तब्दील कर दिया। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में उन सात सिस्टम्स या कॉन्सेप्ट्स का नाम क्या डल गया, क्रेडो ऑफ रेलेवेंस। और ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैंने जैसे कि पहले भी रिपीट किया, ये बहुत बड़ा इशू है कि मैम ये चैप्टर सिलेबस का हिस्सा नहीं है,
बट ये चैप्टर्स हमेशा ही पूछे जाते हैं एंड क्योंकि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, आई फेल्ट दिस वॉज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ यू टू कम एंड स्टडी दिस चैप्टर. सो दैट वॉज अ लाइट सेशन ऑन दिस पोस्ट बिहेवियरलिज्म एंड बिहेवियरलिज्म. आई होप आप सब लोगों को आज का सेशन पढ़ के मज़ा आया होगा. बिफोर आई लीव आई अगेन वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू गाइज, इट्स नॉट स्टिल लेट. इफ यू हैव नॉट ज्वाइन माई कोर्स यू कैन स्टिल ज्वाइन, यू स्टिल हैव टाइम. डोंट फोरगेट टू यूज माई रेफरल कोड सुप्रीत धमीजा विदाउट एनी स्पेस इन बिटवीन. आज ही नया कोर्स स्टार्ट किया है, कल उसकी सेकेंड क्लास होगी 7 बजे. थैंक यू सो मच एवरी वन, गुड नाइट, बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो.